अब देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब इसमें से देखिए, जैसे हम लोग देखें तो सबसे पहले 786 को 999 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को 99 से, इन सभी में तो एक चीज स्पेशल देखेंगे कि भी जितने भी हैं, जैसा हमने देखा हुआ है कि कभी भी मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स इन द एनी मल्टीप्लीकेशन। एक क्या होता है, मल्टीप्लीकेंट होता है, दूसरा मल्टीप्लायर होता है। तो अब यहाँ पे सब एक स्पेशल केस क्या है कि जितने भी हैं हमारे पास एग्जांपल, सब में मल्टीप्लायर सिर्फ 9 से बना हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर डिजिट्स है वो इंटायरली 9 से बना हुआ है। ठीक है, अब मेथड बहुत आसान है, आप सिर्फ इसको केयरफुली ऑब्जर्व कर लीजिए, क्वेश्चन ये आंसर आपको समझ आ जाएगा, ये मेथड समझ आ जाएगा। जैसे 786 माइनस 1 785, 16 माइनस 115, 9879 माइनस 1, मतलब सब में क्या करना है, मल्टीप्लिकेंट को में से एक घटा देना है। मल्टीप्लिकेंट में से एक क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेंट में से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मतलब येलो बॉक्स में जो हमें डिजिट्स मिलना है इस आंसर के लिए वो मिल जाता है। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करें, ये और भी आसान है। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला है, मतलब जो येलो बॉक्स में आपको आंसर के रूप में कुछ मिला है, आंसर के फॉर्म में कुछ मिला है, उस चीज को आप मल्टीप्लायर इट मींस 99 वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ये 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 5 4। सिमिलरली दिस इज द कंप्लीट आंसर, मतलब इसके लिए 785214 इज द आंसर फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन। मतलब 786 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अगर दूसरे में देखें 16 इंटू 99 तो 1584, 1584, 15 कैसे आया पता लग गया था, 16 माइनस 1। दूसरा 99 में से हमने क्या किया, 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 84। सिमिलरली यहाँ पे 9878 कैसे आया ये पता है, अब 9878 को 999 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, दिस इज द टोटल आंसर। अगर यहाँ पे देख लिए हम लोग फिर से, ये कैसे है पता है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया। अब इसमें से इसको क्या करोगे, 9 वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6, दिस इज द फाइनल आंसर। वैसे ही यहाँ पे आ गया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब हमने ऐसा सिचुएशन लिया है, अगर ये नंबर ऑफ डिजिट्स 99 वाले मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर से ज्यादा हो, जैसे फर्स्ट केस में देखो 9 वाला 2 ही है बट ये 3 है, यहाँ पे 9 वाले 3 है बट ये 5 है, यहाँ पे 9 वाले 3 है और यहाँ पे भी ये 5 है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है, अब फिर से एग्जांपल देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, आपको एकदम से समझ आएगा। अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए, कुछ नहीं किया हमने, जैसे कि भी 789 है तो 9 वाले में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दीजिए, किसमें, मल्टीप्लिकेंट में। फर्स्ट को हमने मल्टीप्लिकेंट कहा हुआ है, सेकंड वाले को मल्टीप्लायर कहा हुआ है, तो 789, 29 है तो हमने 2 जीरो लगा दिया, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे 39 है तो हमने देखो 3 जीरो ऐड किए हुए, यहाँ पे भी 39 है तो हमने 3 जीरो ऐड कर दिए, बस फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लिकेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो नया नंबर आपने जीरो ऐड करके बनाया हुआ है, तो इन फर्स्ट केस मल्टीप्लिकेंट इज 789, इन सेकंड केस इट इज 90235, इन थर्ड केस इट इज 72340, तो हमने 789 90235 472340 एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ पे रिपीट किया हुआ है हमने, देखो ये, ठीक है। और फाइनल स्टेप सीधा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से देखेंगे 10 माइनस 9 1, 9 यहाँ पे बच गया था, 9 माइनस 8 1, 8 यहाँ से एक वापस ले गए थे हम लोग उधर, 8 माइनस 7 1, ठीक है 8 7, यहाँ पे फिर बिल्कुल सिंपल सब्ट्रैक्शन है, हमें फाइनल आंसर मिल गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये मेथड समझ आ गया होगा आपको। अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये जो 99 वाला है उसको हमने मल्टीप्लायर नाम दिया हुआ है और जो दूसरा बचता है वो मल्टीप्लिकेंट है। तो जैसे फर्स्ट केस में देखो 2 ही है इधर बट मल्टीप्लायर में 3 है, यहाँ पे 3 है, इधर क्या है 5, इधर 4 है, इधर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 5 है। सॉल्यूशन देखिए एकदम से समझ आएगा कि मेथड है क्या ये वैदिक मैथ्स का। पहला स्टेप क्या करना है आपको कि भाई जितने स्पेस बचते हैं मतलब जितना कम है डिजिट, जैसे इसमें 2 है और इसमें 3 है तो एक जीरो ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 कम था तो 2 जीरो ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 ही कम था क्योंकि 5 9 थे, 4 बिना 9 वाले थे, मतलब मल्टीप्लिकेंट में 4 डिजिट्स थे
तो हमने एक जीरो ऐड कर दिया। तो पहला स्टेप बहुत सिंपल है, आपके समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप और भी आसान है, देखिए बस जो अब ये नंबर है इसको एक से रिड्यूस कर दो, जैसा फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था 078 है, नाउ इट वुड बी 077, 0024234 है तो 00233, एक से रिड्यूस कर दिया हुआ है, 04324 एक से रिड्यूस कर दिया, हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, अब इसमें से 99 मतलब मल्टीप्लायर में से इस ब्लू बॉक्स वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 9, अब यहाँ पे देखिए 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 7, ठीक है बहुत सिंपल है, 9 माइनस 3 देखिए 6, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 0 9 माइनस 0 9, तो मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर है 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा यहाँ पे, तो सिंपली 7 7 9 2 2 इज द आंसर। इन सेकंड सिचुएशन द आंसर इज 2 3 3 9 9 7 6 6, इन थर्ड सिचुएशन इट इज 4 3 2 3 9 5 6 7 6। तो मेरे ख्याल से ये मेथड आपको समझ आया।